हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाथ पैर पूरा बॉडी के ऊपर कालेपन को, धूल मिट्टी गंदगी डस्ट को हटा के अपना स्किन को क्लीन और साफ रखने का एक आसान घरेलू उपाय बताने वाली हूँ। ये अपना बॉडी को क्लीन रखने के और साफ रखने के साथ ही साथ अपना बॉडी का रंग को भी निकालता है और साथ ही अपना स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। बॉडी पे टैन है ज़्यादा, हाथों पे, लेग्स पे टैन है, जहाँ आपका स्किन जहाँ जहाँ ज़्यादा एक्सपोज होता है उस एरिया पे टैन तो ज़्यादा ही लग जाता है। तो उस एरिया पे टैन को रिमूव करना है, पूरा बॉडी को, ओवरऑल बॉडी को आप टैन फ्री रखना है, तो ज़रूर इस घरेलू उपाय को आप लोग ट्राई करें, क्योंकि ये 100% सेफ और नेचुरल इन्ग्रीडियंट से तैयार किया हुआ घरेलू उपाय है। इससे टैन रिमूव होने के साथ ही साथ स्किन भी स्पॉटलेस बन जाएगा। अगर आपका चेहरे के ऊपर छोटे मोटे दाने हैं, बॉडी के ऊपर छोटे मोटे दाने हैं, पिंपल एक्नी है, किस तरह एक्नी स्कार्स मार्क्स भी हैं, तो उसको भी ये जड़ से हटाती है ये उपाय। क्योंकि आप इसको डेली हर रोज इस्तेमाल करने से आपका स्किन के अंदर आप डिफरेंस देख सकते हो, स्किन स्मूथ सॉफ्ट होगा और आपका स्किन का अंदर एक अच्छा सा निखार भी आता है। और इन उसका का खास बात ये है, ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल हैं। आप जब भी चाहे, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, इस पैक को बना के अप्लाई कर सकती हो, क्योंकि ये नेचुरल DIY रेमेडी है। इससे किसी तरह साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, इस तरह आप DIY रेमेडीज ट्राई कर सकते हो। सो चलिए वीडियो को देखते हैं। और वीडियो को देखने के पहले, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साइड पर बेल आइकॉन रहता है उसको क्लिक करने से मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाती है, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक करें। अब इस रेमेडी के लिए हमें लेना चाहिए दही। हमें यहाँ पे ऐड करना है दही 2 चम्मच। इसके बाद इसमें ऐड करना है चावल का आटा। हमें ऐड करना है 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच मसूर दाल पाउडर। मसूर दाल को आप अच्छी तरह ग्राइंड कीजिए, ग्राइंड करके फाइन पाउडर जैसा मिक्स कीजिए। इससे स्किन टाइटन होगा, ब्राइटन होगा। ये पैक जो है पूरा शरीर का कालापन को हटाती है और स्किन को क्लीन क्लियर बना देती है। आप चेहरा ही नहीं, पूरा बॉडी के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे स्किन इवन होगा और ब्राइट होगा। तो इस तरह अच्छी तरह मिला लीजिए। ये आप फेस और बॉडी के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बॉडी को टैन फ्री रखना है, स्किन को क्लीन और सॉफ्ट रखना है, तो ये पैक अच्छी तरह काम करता है। इसे स्किन इवन आउट होगा और स्किन का ग्लो भी आ जाता है। और अब मार्केट वाला स्क्रब से इस्तेमाल करने से ये बहुत अच्छी तरह काम करता है, एज ए स्क्रब कम पैक की तरह काम करता है। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है 2 से 3 ड्रॉप हनी ऐड करना है, तो हनी से स्किन टाइट होगा, ब्राइट होगा और स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरह मिक्स कीजिए। अगर आपको हनी की प्लेस में आप चाहिए तो टोमेटो का रस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका स्किन के ऊपर पिंपल, एक्नी, सन स्पॉट्स है तो उसको हटाना है, आप टोमेटो का रस भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड कीजिए, पिंच ऑफ हल्दी, क्योंकि हल्दी इसलिए है, ये अपना स्किन को लाइटन अप करता है, ब्राइटन अप करता है और स्किन का टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। तो टर्मरिक में इतना सारे फ़ायदा है, तो इसलिए आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ आप पिंच, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्दी ऐड करके फाइन पेस्ट जैसा मिक्स करें, मिक्स करके इसको अप्लाई करना है। अभी आप देखिए ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। आप चाहिए तो इसको रेफ्रिजरेटर में रख के स्टोर भी कर सकते हो 2 दिन के लिए, लेकिन ये थोड़ा रेफ्रिजरेटर में रखने से ये थोड़ा ड्राई हो जाते हैं। फिर दोबारा आप इसमें थोड़ा दही ऐड करके मिक्स कर सकते हो। तो ऐसा करके आप 2 दिन तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर भी कर सकते हो एक बार बना के। तो अभी ये बन चुका है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं बताऊँगी। अभी इस पैक को मैं हैंड्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अपने हैंड्स को क्लीनली साफली वॉश करना है। वॉश करके इसके बाद ये पैक को हैंड्स के ऊपर अप्लाई कीजिए। आप चाहिए तो आप शावर के 20 मिनट के पहले इस पैक को अच्छी तरह बॉडी के ऊपर अप्लाई करें, इसके बाद आप शावर कर सकती हो, क्योंकि इसमें है मसूर दाल, ये अपना स्किन के ऊपर सारे डस्ट को, टैन को हटाती है और स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। अगर आपका स्किन टैन फ्री रखना है तो इस स्क्रब कम पैक को इस्तेमाल कर सकते हो। ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, इससे कोई भी यूज़ कर सकते हो, नो साइड इफ़ेक्ट्स। ये अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है और स्किन को भी ब्राइटन करता है। स्किन ब्राइटनिंग के लिए मसूर दाल एक अच्छा चीज़ है और ये हर किसी का घर में अवेलेबल है। आप एक बार मसूर दाल को ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए, जब चाहिए तब इसको इस्तेमाल कर सकते हो,
क्योंकि ये बिना साइड इफेक्ट्स है, ये अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाती है, स्किन को क्लीन क्लियर और सॉफ्ट रखता है। और इस पैक का खास बात ये है, इसको आप चेहरे के ऊपर, बॉडी के ऊपर स्क्रबर की तरह, फेस पैक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। इससे बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें दही भी है। ये अपना स्किन को मॉइस्चराइज करता है और स्किन का टेक्स्चर को भी इम्प्रूव करता है। अगर आप टैन फ्री स्किन चाहते हो तो उसके लिए ये पैक बहुत अच्छी तरह काम करता है। ये अप्लाई करने के बाद 20 मिनट के बाद आप शावर कीजिए, इससे स्किन इवन आउट होता है और डस्ट टैन भी चले जाता है। तो ये है आज की मेरी वीडियो। इस वीडियो आपको पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो के बारे में कुछ कॉमेंट्स है, डाउट्स है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन आप वहीं पर कॉमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का आंसर जरूर देती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।